गोपालपुर सिरे वार्ड नंबर 1 में वार्ड सदस्य एवं इंदिरा आवास सहायक की मिलीभगत से ग्रामीणों में काफी गुस्सा एवं उदासी छा चुकी है। गोपालपुर सिरे वार्ड के सदस्य एवं इंदिरा आवास सहायक ने मिलकर इंदिरा आवास के नाम पर ग्रामीणों से की लूट। हर एक घरों से 5,000 रुपए की रकम एवं 2,000 की रकम के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। इंदिरा आवास तो दूर, इंदिरा आवास सड़क तक का टेंडर नहीं होने दिया। जब हमारे संवाददाता ने मामले की पूरी खोज की तो सारी बात सामने आ गई कि वार्ड सदस्य वार्ड पार्षद इंदिरा आवास सहायक की मिलीभगत से सारा कारनामा किया गया है। मामले की जांच करने के बाद अधिकारी से बात की गई और अधिकारी ने कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये लाजमी होगा कि सुशासन बापू के राज्य में ऐसे सहायकों पर कब कार्रवाई की जाती है। बालू डाल दिया बस वही से हो गया, एक बार बड़ा है खत्म, थोड़ा सा आगे और चलना पड़ेगा। लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस सड़क के बारे में? सड़क बनी हुई है क्या? जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं, आप तो सामने देख रहे हैं। लेकिन पेमेंट तीन तीन बार करा चुका है लेकिन काम कभी नहीं होता, यहाँ बार बार ये टूट रहा है। अच्छा, यहाँ का कभी काम पूरा नहीं होता है। देख रहे हैं यहाँ पर जो है खद्दा है और पानी भी उसमें लगा हुआ है, सब भरा रहता है, फसल भी बर्बाद होता है, सब नुकसान है नुकसान है यहाँ। अच्छा, घर से बाहर नहीं आदमी निकल सकता यहाँ से, क्या यहाँ बहुत खराब रहता है। यहाँ पर पहले इससे पहले योजना उठी हुई है सड़क के लिए क्या? जी सर, जी एक ही योजना पे दो बार उठाते हैं, तीन बार हो चुका है सर, तीन बार यहाँ एक एक रोड पे दो दो बार योजना उठाते हैं सर, दो दो बार सिर्फ कागज से रखता है, कागज पहले करता है, वीडियो खड़ा है। यहाँ का आदमी एक एक बार एक एक रोड पे दो दो बार योजना उठाते हैं और हम लोग जब बोलते हैं तो बोलता तू क्या उखाड़ लेगा, तुमसे होगा क्या? हम ग्रामीण चुपचाप बैठे रहते हैं, जब कहीं बढ़ते हैं तो ये लोग धमकी देता है। वीडियो साहब इससे पहले भी आया था एक बार, क्या हुआ? देख वीडियो साहब इससे पहले भी इस योजना के फेवर लोग जो योजना है उसको हाँ। चेक करके बोला, बात करने के बाद उसको डांट फटकार देने के बाद निकल के वीडियो साहब क्या मतलब जो काम किया उसको डांट फटकार किया था, उसके बाद कहीं बात कुछ नहीं किया। वीडियो साहब का पास में आवेदन भी गया था लेकिन उसके ऊपर कोई कानून कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार मंडल। कहाँ घर हुआ? गोपालपुर सिरे गोंडवा। आप लोग क्या चाहते हैं इस सड़क के बारे में, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? सर हम अच्छा हमको चाहिए, अच्छा काम चाहते हैं, अच्छा जगह चाहते हैं चलने के लिए, हमको बस सुखियाली हो, बस हम तो और कुछ नहीं चाहते, लीगल काम रास्ता चाहिए, एक्शन होना चाहिए। कौन सी जगह है ये? गोपालपुर सिरे गोंडवा, सिरे गोंडवा वार्ड नंबर 1 है ये, एक नंबर। क्या हुआ? हमारे पास हुआ है जो पहले तो 5,000 लिया था, आई इसको जो बोल दिए जो 5,000 लिया है तो बोलता है जो दूसरा किस्त में 5,000 लेकर अथी लेकर के देख लेना पैसा, अब नहीं मिलेगा। तो कौन बोला ये बात? वो सदस्य जो है उसका नाम कहिए, नाम करे विनोद, विनोद विनोद बोला। मैंने जो आप दूसरा बार पहले 5,000 रुपया उसको घूस दिए हुए थे, पहले ले लिया। अच्छा, तब ये फिर दोबारा बोल रहा है कि अब तुमको नहीं देंगे? हाँ, ये इसमें जो बोल दिया उसी लेकर। किसको बोल दिए? मीडिया में जो बोले थे। अच्छा, इस पर आपको धमकी दिया है? इस पर धमकी दिया है जो आप दूसरा किस्त लेकर के हमको दिखाओ। क्या नाम है आपका? सियाचरण मंडल। कहाँ घर हुआ? एक नंबर वार्ड। कहाँ गांव का क्या नाम हुआ? गोपालपुर सिरे। मामला है आपके साथ, क्या मामला? शौचालय जो पैसा मिला गया था उसमें से 3,000 का दो शौचालय था मेरे पास दो नाम से, उसमें 6,000 रुपये हमसे लिया गया, फिर उनको पैसा पेमेंट मिला। उससे पहले जो 6,000 रुपये लोन मिला था उसमें से 2,000 पहले घुस लिया। कौन लिया वो? हमारा वार्ड सदस्य। क्या नाम है आपके वार्ड सदस्य? विनोद मंडल। क्या नाम है आपके वार्ड सदस्य का? कालू देवी, कालू देवी, कालू देवी का। उसका कौन काम करता है उसके एवज में? वो उसका देवर करता है, देवर करता है। क्या नाम है उनका? विनोद मंडल। क्या किया आपके साथ, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ वो शौचालय में जो पैसा मिला हमको उसमें से 6,000 रुपये काट कर मिला गया, हमको 3,000 रुपये पहले दिया। अच्छा जी, उसके बाद 6,000 रुपये सरकार जो दिया था लोन के तर में खाने के लिए, दो दो हजार पहले 3,000 लिया, उसके बाद 2,000। क्या परेशानी हुई? क्या वार्ड सदस्य नंबर आयल तो पहले 1,000 रुपया का अलग दिला, तकर बाद जाकर फेन नंबर आयल तो कहलक 5,000 रुपया, 5,000 रुपया हम गरीब लोग कहाँ से देते? कौन मांगता है आपसे 5,000? विनोद, एक नंबर वार्ड के सदस्य। कौन है आपका? लालू देवी के दिया। क्या नाम है आपका? संगीता। कहाँ घर हुआ? गोंडवा। आपको इंदिरा आवास योजना मिल चुका है? मेरे तो नहीं है, मेरे लड़के का है, नंबर आ गया, दिया ने उसको कल के 5,000 रुपया देने के लिए, मैं कहाँ से देता गरीब लोग? क्या बोला कि 5,000 रुपया दीजिए? हाँ, देने।
कब मांगा था वो? यही तो नंबर आया, अभी तक 3-4 महीने हो रहे हैं, नंबर आया था जा। इनका क्या लग रहा है कि ये मिट्टी वर्क पूरा हुआ है? नहीं हुआ है, वही आप सामने में है, देख लीजिए जो कहाँ पर हुआ है मिट्टी वर्क पूरा। ये कौन से वार्ड है? ये एक नंबर वार्ड है। क्या नाम हुआ आपका? जय नारायण मंडल। कहाँ घर हुआ? यहीं एक नंबर में ही, गोपालपुर चीरे गोनबा। क्या चाहते हैं, इसका जांच हो? हाँ, जांच होना चाहिए। आया गोपालपुर सिरे का, जिसमें काफ़ी अनियमितता बरती गई, इसमें क्या कहना है सर? जो भी आवेदन हमको अभी प्राप्त हुआ है, आज ही आवेदन प्राप्त हुआ, उस आवेदन पर जांच उपरांत जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 9 भारत के लिए शहबाज खान की ब्यूरो रिपोर्ट, सुपौल। मैनाटांड प्रखंड में कोविड-19 टीकाकरण चेक करने आई SDM साहिला हीर प्रखंड के विभिन्न गांवों और हरिजन टोली में जाकर चेक किया और लोगों को बताया कि टीकाकरण लें और दूसरों को भी लेने के लिए बताएं। ये बहुत ही फायदेमंद है और इससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। लोगों को टीका लेने में जागरूक किए, साथ में मैनाटांड हॉस्पिटल प्रभारी, हेल्थ मैनेजर, BCM ब्लॉक विकास अधिकारी, अंचलाधिकारी और थाने अध्यक्ष भी मौजूद रहे। आगे बचाव का यही एक तरीका है कि सब लोग टीका लें, तो आप ना केवल खुद सब दीदी जीविका दीदी लें, अपने परिवार को भी आप लोग कहिए और अपने आस पड़ोस में भी लोगों को बोलिए कि वो आके टीका लें। बैठ जाइए, बैठ। और बोला मतलब चाहिए और ऐसा करिए वीडियो साहब, अगर यहाँ पे नहीं लोग आने में सक्षम है तो जैसे आपने कल मूव कराया था वैसे करवा लीजिए, है ना? ऐसा है जगह नजदीक में ज्यादा करके फर्स्ट डोज लोग ले लिया, सेकंड डोज वाला लोग ज्यादा लोग है, फर्स्ट डोज वाला लोग कम में है, इसी के चलते थोड़ा अच्छी हो रहा है, वहाँ ज्यादा लोग जमा हो जाएगा। 45+ जो भी लोग हैं, आप लोग भी बताइए सबको गांव में, 45+ जो भी लोग हैं जिनका पहला डोज नहीं हुआ है, वो लोग आके अपना टीका ले लें। R9 भारत के लिए धर्मेश गिरी की रिपोर्ट, मैनाटांड। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीचल कपिल अशोक ने संग्रामपुर प्रखंड के भवानीपुर में चंपारण बांध के टूटान स्थल का निरीक्षण किया तथा उपस्थित कार्यपालक अभियंता गंडक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 5 वीक पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जिस स्थान पर बांध कमजोर है उसका मरम्मत 15 जून के पहले अवश्य कर लिया जाए, बांध में जो भी कमजोर पॉइंट है उसको दुरुस्त किया जाए, कटाव रोधी मटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित करें, बोरे में बालू भर कर स्टॉक में रखा जाए। उन्होंने अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि गांव के एक्टिव लोगों की लिस्ट बनाकर फोन नंबर के साथ संधारित किया जाए ताकि आपात स्थिति में उनका सहयोग लिया जा सके, उनमें गांव के प्रबुद्ध नागरिकों को भी शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने बांध के किनारे बसे गांव के लोगों को सतर्क रहने, बांध के किनारे मवेशी को न बांधने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया। उन्होंने उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा कि 15 जून के बाद अलर्ट मोड पर रहना है। उन्होंने उपस्थित अंचल अधिकारी को दिशा निर्देश दिए कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की जाए ताकि बाढ़ की स्थिति में राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। मौके पर बाढ़ के कार्यपालक अभियंता, अनुमंडल पदाधिकारी, अरिराज, DCLR आदि सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पंचायत में यहाँ पे हम अभी खड़े हैं। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि चंपारण तटबंध यहीं पे ब्रिज हुआ था, तो ब्रिज प्लगिंग का जो काम किया था तो उसको देखने के लिए हम आए हैं, और साथ में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गंडक फ्लड कंट्रोल के यहाँ पे अभियंता है, SDO COs भी है और प्रशासन के अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पे है। मूल उद्देश्य यही है कि अलर्ट रहना है, क्योंकि लास्ट ईयर जो पाइपिंग हुआ यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ को तो प्लग इन किया था लेकिन यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही वो ब्रिज हुआ है, तो क्योंकि अलर्ट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही में 5 पॉइंट जो है आइडेंटिफाई किए गए, ऑलरेडी जो कम्युनिकेट किए गए हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, तो 15 जून से जो फ्लड फाइटिंग का यहाँ पे काम चलेगा उसके लिए जो है क्या तैयारी है उसकी समीक्षा करना भी उद्देश्य था। स्थानीय ग्रामीण का भी लास्ट ईयर काफ़ी सहयोग हमको मिला था और निश्चित मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा, और इस बार लेकिन यह है कि अलर्ट रहना है, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सालों के बाद चंपारण तटबंध ब्रिज हुआ था और उससे काफ़ी नुकसान नॉट ओनली संग्रामपुर बट केसरिया कल्याणपुर का कुछ पार्ट जो है, और वहाँ पे चकिया साइड में भी जो है पानी चला गया था और काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ था, तो ये भी आकलन करने का एक उद्देश्य था। और अलर्ट मोड में, क्योंकि अब जो है
कोविड 19 के साथ साथ जो है फ्लड को भी उतना ही महत्व हमको देना है ताकि जो आपदा है उससे हम सही समय पर निपट सके। सर इस बार यह अनुमान लगाया। R9 भारत के लिए रत्नेश कुमार की रिपोर्ट, मोतिहारी।